शिल्जी दोस्तों, ये नाम पढ़ने में जितना कठिन लग रहा है उससे कहीं ज्यादा कठिन इस शख्स की जिंदगी है। इसने कभी अपने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, लेकिन अपने बचपन और मासूमियत की वजह से ये दुनिया भर का चहेता बन गया। दोस्तों, इस शख्स ने दुनिया भर को ये सिखा दिया कि आपको इस दुनिया में खुश रहने के लिए और शरीर और दिमाग से स्वस्थ होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप मन से अच्छे हैं तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी हंसा सकते हैं। आज की हमारी कहानी ऐसे ही शख्स पर है जिसने अपने किरदार से दुनिया भर को अपना दीवाना बना दिया। और आपका फेवरेट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपको शिल्जी की ऐसी दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप रो पड़ेंगे या फिर आप अलग उत्साह में आ जाएंगे और ये सोचेंगे कि जब मानसिक और शारीरिक रूप से इतना कमजोर इंसान दूसरों को अपनी मासूमियत से हंसा सकता है तो हम क्यों नहीं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को पसंद कीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहे। दोस्तों, शिल्जी का जन्म 10 सितंबर 1901 में अमेरिका में हुआ, तभी से लोग साइमन मैड्स के नाम से जानते थे। दोस्तों, जब ये बड़ा हुआ तो ये बात स्पष्ट होने लगी कि ये माइक्रोसेफेली नाम की बीमारी से पीड़ित है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस बीमारी में चेहरा तो सामान्य दर से बढ़ता है लेकिन सिर बहुत छोटा रहता है, यानी कि एक आम इंसान के मुकाबले इस बीमारी से पीड़ित लोगों का सर लगभग आधा होता है और इस बीमारी की वजह से पीड़ित के मस्तिष्क की क्षमता भी कम हो जाती है। दोस्तों, ये बीमारी अधिकतर तब होती है जब बच्चा पेट में होता है और माँ प्रेगनेंसी के दौरान या तो अधिक शराब पीती है या फिर ये कोई जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है। और सबसे दुख की बात यह है कि इस बीमारी को कोई इलाज ही नहीं है। आपने इस तरह के छोटे सर वाले लोगों को देखा होगा क्योंकि ये बीमारी जेनेटिकली होने की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि शिल्जी एक अमीर परिवार में जन्मे थे और इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम अथीला था, वो भी माइक्रोसेफेली बीमारी से पीड़ित थी। अजीब से दिखने वाले इन दोनों बच्चों के कारण इनके माता पिता को अपने बच्चों पर शर्म आती थी, इसलिए वे इन्हें समाज से छुपा कर रखते थे ताकि कोई भी इन्हें देख कर उनका मजाक न उड़ाए। हम अक्सर देखते हैं कि जब बच्चे किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से असाधारण पैदा होते हैं तब कुछ अमीर लोग अपने स्टेटस के चक्कर में उन्हें कभी प्यार ही नहीं देते। दोस्तों, आपका ऐसी सोच वाले अमीर लोगों के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमें तो लगता है कि भले ही ये लोग पैसों से अमीर है लेकिन इनका दिल बहुत गरीब है जो अपने ही बच्चों को प्यार नहीं दे पाते। दोस्तों, स्टेटस और रुतबे के डर से शिल्जी के माता पिता ने उसे और उसकी बहन को ड्रीमलैंड साइड शो में बेच दिया। दोस्तों, जहां इन बच्चों को ज्यादा प्यार और केयर की जरूरत होती है, क्योंकि पहली बात तो ये बच्चे दिमागी रूप से कमजोर होते हैं और दूसरी बात ये दूसरे बच्चों के कारण काफी चिढ़ाए भी जाते हैं, लेकिन इन दोनों बच्चों की जिंदगी में कुछ और लिखा था और सर्कस में जाने के बाद ये दोनों बच्चों की जिंदगी की अलग शुरुआत हुई। दोस्तों, शिल्जी एक युवा लड़का था लेकिन अपनी इस बीमारी के कारण उसका दिमाग केवल 3 साल के छोटे बच्चे की तरह ही था और वह छोटे छोटे शब्दों को आपस में जोड़ कर बोलता था। सर्कस के साइड शो के दौरान वो एक लड़की के कपड़े पहनता और उन्ही कपड़ों को पहनकर अपनी परफॉर्मेंस देता और दोस्तों, ऑडियंस में बैठे लोग शिल्जी की मासूमियत भरी परफॉर्मेंस देखकर काफी मनोरंजित होते थे। और दोस्तों, बच्चे जैसा दिमाग होने के कारण शिल्जी बहुत जल्दी अपना संयम खो देता था, इसलिए उसका केयर टेकर ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ ही बिताता था ताकि शिल्जी को अच्छा महसूस हो सके। धीरे धीरे अपनी मासूमियत और सादगी के कारण ये लोगों और अपने साथियों का चहेता बन गया। जो कोई भी शिल्जी से मिलता वो बस उसकी मासूमियत में ही खो जाता और उसे अपना समझने लगता। दोस्तों, ये सर्कस में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि इसे हॉलीवुड मूवीज के ऑफर आने लगे। उसने उसके बाद अपनी जिंदगी में कई सारी फिल्मों में काम किया। 1932 में शिल्जी ने हॉलीवुड मूवी फ्रीक्स में अभिनय किया और इसी फिल्म के बाद वो रातों रात सुपरस्टार बन गया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस फिल्म में सर्कस की बातों को दर्शकों के सामने रखा गया था। इस फिल्म में सर्कस में होने वाले प्यार और धोखे को साफ साफ दर्शकों को दिखाया गया और इस फिल्म में कई सारे भड़काऊ और डरावने किरदार भी थे, जिसके बाद क्रिटिक्स और लोगों ने इस फिल्म की जमकर आलोचना भी की थी। दोस्तों, इस फिल्म के बारे में कई लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी और सबकी राय एक ही बात पर आकर टिक जाती थी कि सर्कस एक मनोरंजन का जरिया है, उसे इस तरह के लोगों के सामने बेपर्दा करना ठीक नहीं है वरना लोगों का सर्कस जैसी चीजों पर से विश्वास उठ जाएगा। 1936 में सर्कस में काम करने वाले जॉर्ज सुरती, जो वहां के चिंपैंजी ट्रेनर थे, उन्होंने शिल्जी को गोद में ले लिया था। दोस्तों, जॉर्ज ने अपने मरते दम तक यानी कि 1965 तक उसका अच्छे से ख्याल रखा,
लेकिन जब वो मर गए तो उनकी बेटी ने उनका ख्याल रखने से मना कर दिया। उसे लॉस एंजेलिस के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। दोस्तों हम आपको बता दें कि शिल्जी पूरे के पूरे 3 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में रहे और वहां भी वो अपने सर्कस के दिनों को याद करके खुश होते थे, ना कि मेंटल हॉस्पिटल में होने का गम उन्हें सताता। दोस्तों मेंटल हॉस्पिटल में उसका ज्यादा ख्याल न रखने की वजह से उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली गई, क्योंकि शिल्जी की इस माइक्रोसेफेली बीमारी के कारण उसका दिमाग काफी कम था और उसके शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाया। इसके साथ ही उसे मिर्गी के दौरे भी आते थे। तभी उसके सर्कस में काम करने वाले एक जादूगर दोस्त ने मेंटल हॉस्पिटल से गुजारिश की कि वे लोग शिल्जी को उसे सौंप दें और वो उसकी अच्छी देखभाल करेगा। काफी सारे सवालों और जवाबों के बाद मेंटल हॉस्पिटल वालों ने उसको उसके दोस्त के पास सौंप दिया। दोस्तों मेंटल हॉस्पिटल में इतने दिन रहने के बावजूद भी शिल्जी का अपने सर्कस के प्रति प्यार कम नहीं हुआ था, इसलिए उसने एक दूसरा सर्कस ज्वाइन कर लिया। उसने अपने रिटायरमेंट के दिन तक भी लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन इतने दिन सर्कस में काम करने के बावजूद उसका कोई अपना स्थायी घर नहीं था। दोस्तों शिल्जी अपने आसपास के लोगों को हमेशा प्यार देता था और वो हमेशा उन लोगों के लिए प्यारा और मासूम भी था। दोस्तों शिल्जी की बीमारी में कई लोग शुरुआत में हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन इस शख्स ने अपने जिंदगी के आखिरी दिनों तक अपनी बीमारी से लड़ाई की और अंत में सन 1971 में इस बेमिसाल शख्स की मौत हुई। शिल्जी के इस दुनिया से जाने के बाद उसे किसी अनजान कब्र में दफना दिया गया, लेकिन उसका किरदार काफी दिनों तक लोगों के जहन में जिंदा रहा। इसी कारण उसके एक प्रशंसक ने यह निवेदन किया था कि उसे एक रिस्पेक्टेड पत्थर के नीचे दफनाया जाना चाहिए ताकि लोग उसे अधिक समय तक याद रखें। दोस्तों शिल्जी शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हुए भी कभी कमजोर नहीं पड़ा और माता पिता का प्यार न मिलने के बावजूद भी उसने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। उसका दिमाग हमेशा एक 3 साल के बच्चे की तरह चलता था और दोस्तों ये बात तो हर किसी को पता है कि बच्चे कितने मासूम और प्यारे होते हैं, जिस किसी से भी मिलते हैं उसे अपना बना लेते हैं। शिल्जी भी बिल्कुल वैसा ही था। उसके मन में कोई छल कपट नहीं था, जो कोई उसे प्यार से बात कर लेता वो उसका हो जाता। उसकी इसी खूबी ने इसके किरदार को सभी के अंदर जिंदा रखा। दोस्तों वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको ये हमारी अनोखी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।